मैं अपने अगर बारे में बताऊं तो 11 साल हो गए, 12 साल मुझे लड़ाई लड़ते थे। जब किसी को कहीं मेरी जरूरत होती है तो मैं उसके बुलाने से पहले पहुंच जाता हूं, उसकी मदद करने के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए। लेकिन इस बार 11 साल के जीवन में जो मैंने संघर्ष के जीवन में मैंने खूब जेल काटी, तीन तीन चार चार बार 16-16 महीने जेल काटी, मुकदमे झेले, दिल्ली में 2-2 बार तिहाड़ काटी। भारत के किसी स्टेट की कोई जेल होगी जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया। मैं लखनऊ भी रहा, मैं आगरा भी रहा, मैं जयपुर भी रहा, तमाम तरह से। लेकिन ये सारी मुसीबतें मैंने इसलिए काटी कि इनमें एक भी मेरा अपना मामला नहीं है, सारे मामले जनता के हैं। जब जनता पे अन्याय हुआ तो मैंने उनकी आवाज बनने का काम किया। जब मैं उनकी आवाज बना तो सरकारों ने हमें कुचलने के लिए झूठे मुकदमों का सहारा दिया। मैं इनसे तो नहीं डरता, मैं तो अपने लोगों के भोलेपन से डरता हूं कि वो इतने भोले हैं, हर किसी के साथ खड़े जाते हैं, बाद में पछताते रहते हैं कि भाई ये तो नेता 5 साल हमें दिखाई नहीं गई। आप और मैं इस बात को समझ लें कि जो समाज महापुरुषों की बात के साथ नहीं खड़ा होगा उस समाज की तरक्की नहीं हो सकती। वो कोई समाज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें ये कह के गए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम इन तीन नारों को अगर अपने जीवन में धारण कर लें तो हमें कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। आज जो लोग शिक्षित हुए, जिन्होंने शिक्षा के रास्ते को अपनाया है, जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज बने हैं, पटवारी, सेक्रेटरी, पुलिस में, आर्मी में, रेलवे में गए हैं, उनके घरों के हालात बदली, जो जिन्होंने शिक्षा को अहमियत कम दी है, आज भी उनके हालात गांव में आप देख लो तो आपको एहसास हो जाएगा। जिनके घरों में शिक्षा का दीपक उस तरह नहीं जला कि उनके घरों से रोशनी की कामयाबी निकली हो, कोई उनका बच्चा कामयाब आ गया। और जब आप शहरों में जाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी चमक धमक, साफ सुथरी सड़कें, तो ऐसा लगता है कि जैसे गरीबों की तरफ कोई कुछ देखना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है देश अमीरों का ही हो गया। लेकिन क्या संविधान इसी सपने के साथ आया था? संविधान तो इस बात की आजादी देता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सबको इस देश में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, नौकरी करने का, रोजगार करने का, खेती करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन कहां है सब कुछ? ये तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। और जिस तरह से पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और फिर अब फ्री फ्री की बात करके और लोगों को मोहताज बनाने का काम किया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र, इसको इस तरह समझिए, चूहे दानी में रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है। इसलिए नहीं लगाया जाता कि चूहे से बड़ा प्यार है चूहे दानी के मालिक को, इसलिए लगाया जाता है कि जैसे ही वो टुकड़े की तरफ को बढ़ेगा वैसे ही वो फंसता जाएगा चूहे दानी में, और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही वो उसको खाने के लिए दौड़ेगा वैसे ही वो जो है चूहे दानी बंद हो जाएगी, वो उसमें कबूतर बनकर कैद होकर रह जाएगा। ये 4 किलो राशन देने वाले लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपके बेटे को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं मिल रही तो सरकारी मिल रही तो प्राइवेट सेक्टर में देंगे, प्राइवेट सेक्टर नहीं मिल रहा तो इसको लोन देंगे कि अपने कोई काम कर सके, बिजनेस कर सके। हम एक एक पैसा जुटा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने लिखाने के बाद नौकरी देना तो काम सरकार का है, रोजगार देना तो काम सरकार का है। सब लोग गरीब अमीर थोड़े हैं, सब लोग में जमीनें थोड़े हैं, सब लोग धनाधे थोड़े हैं, सब लोग कारोबार थोड़े हैं। जो गरीब का बेटा है वो कारोबार कहां से करे, कहां से आएगा पैसे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को वो बराबर के अवसर दे। पहले हमारे बच्चे हर साल 5-7-10 बच्चे सेना में, पुलिस में, रेलवे में और मास्टरी में, कई डिपार्टमेंट में लगे जाते थे, गांव में से हर साल 5-7 लोगों का जीवन बदल जाता था, क्योंकि जिन परिवारों में नौकरी रोजगार आते थे उन्हीं की जेब में पैसे आते थे, जिनके जेब में पैसे आते थे उन्हीं के घर में परिवर्तन होता, उन्हीं घर में सुख सुविधा आती थी। तो अब कहां थी नौकरी? अब तो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 20,000 पदों में घोटाला कर लिया। पुलिस की भर्ती आई तो आपने देखा होगा आपके गांव में से भी नौजवानों ने पुलिस की भर्ती का फॉर्म भरा था क्या किसी ने? तो आपने 400 रूपये जमा किए, फिर 4-5-6 महीने दम लगा के मेहनत की, काम छोड़ दिया, जो छोटा मोटा रोजगार करते थे किताब पकड़ के बैठ गए कि भाई हमें पढ़ लिखना निकला है और हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी है, कुछ पैसे कमाने हैं तो नौकरी प्राप्त करनी है। आप यहां से अपने सेंटर गए,
सेंटर जाके आपने पेपर दिया, पेपर देके आप खुश होते हो निकले कि भाई अब नौकरी मिलेगी, अब माँ को कुछ, अब जेब में पैसे आएंगे तो माँ के आंसू पूछूंगा, बहन के सपने पूरा करूंगा, भाई को कुछ दूंगा, पिताजी को जो है आप बुजुर्ग बड़ी उम्र में उनको आराम का जीवन दूंगा। लेकिन जैसे आप बाहर निकले आपको पता लगा कि पेपर लीक हो गया, तब पेपर कैंसिल हो गया, बताओ क्या करो। दरोगा की भर्ती में आप देखो कैसे इसी सरकार में उत्तर प्रदेश की बसों में बैठ के जो है पेपर दिए जाते, गरीब का बच्चा करे क्या, सब कुछ अमीरों का तो हो गया। और आपके क्षेत्र में है क्या, देखो जो आप नेता चुनते हैं उसकी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट में जाके बोले, वो पार्लियामेंट में जाके सवाल उठाए, वो पार्लियामेंट में जाके आपकी वकालत करे क्या कि नगीना लोकसभा में भी एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए क्योंकि जिससे कि वहां के गरीबों को भी कम दामों पर बेहतर से बेहतर इलाज मिले, जिससे उनकी जीवन रक्षा हो सके। 15 साल में आपने किसी नेता के मुंह से सुना पार्लियामेंट में जिसको आपने वोट देकर भेजा, क्या आपको नहीं लगता, क्या बताओ ईमानदार से बताओ कि आपको एम्स जैसे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, बताओ हाथ उठा बताओ है या नहीं है, है? जैसे आप इस तरह से हाथ उठा रहे ऐसे आपका नेता वहां जाके जबान वो भी चला भाई, जिसकी समस्या है वही तो बोलेगा भाई, जिसको तकलीफ होगी दर्द होगा वही तो दवा लेगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और मैं आपसे कहूं दवा ले लो तो लोगे क्या, तो आपका आपने अपना काम वोट देकर कर दिया, बाकी काम आपके नेता का है कि वो आपके क्षेत्र की समस्याओं को समझे। मुझे तो महापुरुषों के आशीर्वाद से मेरी खूब पहचान है, यही नहीं प्रदेश के स्तर पे भी, देश के स्तर पे भी मुझे सारे कर्मचारी अधिकारी जानते हैं। मैं तो जिस दफ्तर में बैठ जाऊंगा जिस काम के लिए उसको करवा के छोड़वाऊ किसी भी कीमत पे, खाली हाथ नहीं उठ जाऊंगा, मैं तो इतनी ताकत रखता हूं। लेकिन आप ये बताओ आपके पढ़े लिखे नौजवान बच्चे रोज बेरोजगार घूम रहे हैं, बहन बेटियां, जब हरिद्वार देखा आपने कितनी दूर है यहां से, रोशनाबाद देखिए एक जगह वहां किस लिए फेमस है, रोशनाबाद किसके फेमस है, हाँ वहां उद्योग धंधे लगे हैं, वहां इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, एक कंपनी में 8-8, 10-10 हजार लोग काम करते हैं और वहां कई सौ कंपनियां लगी है। सोचो आपके यहां 100 कंपनियां लग जाए तो 10 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आपके नेताओं को कहां पता है कि इन बच्चों को रोजगार की जरूरत है, पढ़ लिख के जो माँ बाप ने खून पुरे लगाकर वो कर दिए, यही बराबर में हरिद्वार से पढ़ी तरफ भगवानपुर है, भगवानपुर में भी इंडस्ट्री एरिया लगा है, सब किसानों की जमीन को गवर्नमेंट ने लिया और दिया कि भाई चलो इनको रोजगार दो, तो कितने लोगों की जिंदगी बदली। आज हमारी बहन बेटियों को मजबूरी में भट्टों में काम करना पड़ता है, कॉलों में काम करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, पशु पालते हम लोग कि भाई कुछ दूध बेच के कुछ पैसे कमा लें, कब तक इससे कितने अमीर हो जाओगे, कौन सी सुविधा ले लोगे, एक 4 रुपयों की गाड़ी नहीं खरीद पाओगे पूरी जिंदगी से। जब तक आप अपने बच्चों को कामयाब नहीं बनाओगे, कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार तो गरीबों की खाद उतारने में लगी, कैसे 350 का सिलेंडर 1150 रूपये का देगी, 150 रूपये का आने वाला बिजली का बिल 600-700 रूपये का आएगा, 20 रूपये का आने वाला दवाई 100 रूपये का आएगा, और तो और 45-50 रूपये का पेट्रोल 100 रूपये का आएगा। और प्रैक्टिकल सुनो, आप कस्बे में जाते हो ना नजीबाद, नजीबाद जाते हो, नगीने जाते हो, नजीबाद आज कितना पैसा लगता है नजीबाद जाने का, 20 रूपये, बताओ आपसे 5-7 साल पहले कितना पैसा लगता था, 5 रूपये, तो 4 गुना बढ़गी नहीं बढ़गी महंगाई, ये तो आपके सामने ही है ना, आमदनी कितनी बढ़ी, जो मेहनत मजदूरी करते थे 300-350-400 रूपये मिलते थे, आज क्या 1000 रूपये मिलने लगे, तो जो आप कमाते हैं वो तो खर्चों में चला जाता है। ये देते 4 किलो राशन और 4 किलो राशन का चलता 10-20 दिन क्या करोगे, अब तो मनरेगा में भी नहीं मिल रहा काम, मनरेगा में कहां मिल रहा काम, और मनरेगा में पैसा ही नहीं आ रहा, और तो और अब मेरी बात तो गौर से सुनो भाई, पहले हम मेहनत मजदूरी कर लेते जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, घरों गांव में रहने वाले, एक परिवार मिलके खेत की कटाई करता था, 1 साल का अनाज होता था, अब वो कटाई मालिक मशीन से करवा देता 2 घंटे में हो जाती है, तो आप मजदूरी की वो नहीं बची जरूरत, तो फिर करें क्या, गरीब लोग भूखे मरेंगे क्या, आपको पता है कि गेहूं कहां, ये अनाज आपको जो मिलता कहां से आता है, किसके पैसे का आता है, पता आपको नहीं, पता आपको नहीं पता होता तो अभी बताते हैं मेरे पैसे का जाता है। सुनो आप 1 रूपये का सामान खरीदते हो 28% टैक्स लगता है, आपने बोतल खरीद कितने पैसे की आई भाई, 10-6 रूपये लिखा, 5 रूपये की, तो 5 रूपये की अगर आपने खरीदी तो इस पे 28% टैक्स के हिसाब से लगा लो, 1.40 रूपये सरकार के खाते में चले गए इसे खरीदे, समझे, आप एक बहुत गरीब से गरीब परिवार 5000 रूपये का सामान खरीदता है महीने में,
तो 1400 रूपये सरकार के खाते में जाते हैं और उन 1400 रूपये में से वो 800 रूपये सिलेंडर बढ़ा के आपकी जेब पहले काट लेती है। डीजल पे, पेट्रोल पे बढ़ा के, खाद्य पदार्थों बढ़ा के, दवाई पे बढ़ा के, स्कूल की फीस पे बढ़ा के, तमाम तरह चीजों बढ़ा के और फिर वो आपको 200 रूपये का राशन देकर ऐसा एहसास कराती है कि हम आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। अब गरीब को लगता है भाई ये तो दे दिए कुछ, पिछली तो ये भी देती थी। भाई फिर मैं मेरी बात सुनो, आप ही का पैसा 1400 रूपये लेके और 200 रूपये का रोजगार अगर आपको राशन दे दे तो कौन सा बड़ा काम करे, तो 1200 रूपये आपका बचता है। भाई देश चलाने के लिए अगर आप सिस्टम का ऐसा नहीं बनोगे, आपके बच्चे कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तो आपके लिए पॉलिसी कौन बनाएगा। आज 500 रूपये पेंशन मिलती है गरीबों को, जो विधवा है, जो वृद्ध है, जो विकलांग है। आप बताओ 500 रूपये में ये बोतल 5 रूपये की आई, आप 4 बोतल एक दिन में पीलेगा नहीं पीलेगा आदमी, मिनिमम तो 20 रूपये की होगी। तो आप बताओ एक महीने में कितने पैसे की पानी पिएगा, 600 रूपये का। तो 500 रूपये सरकार कहती है 500 रूपये की पेंशन में पूरा महीने में खर्चा चल जाएगा। देखो कैसी मजाक उड़ा रहे गरीब। अधिकारियों को भी मोटी मोटी तनख्वाह पेंशन मिलती है, नेताओं को मिलती है, गरीबों को क्या मिलता है। गरीबों का खून चूसने वाली सरकार आ गई है। अगर आपको इससे बचाव करना तो फिर आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वोट ही हम पे हथियार है जिनसे ना हम इनको लाठी से जवाब दे सकते हैं, ना गोली से, ना किस चीज से। हम तो आम जनता है, हम इनको वोट से ही जवाब दे सकते हैं। अगर आप अपने वोट से मजबूत फैसला लो, और जिस तरह से आपने और लोगों को मौका दिया, मैं तो सड़कों पर लड़ता रहा, अब मैं आपके बीच आया हूं, अगर आप सच में मेरी मदद कर दो तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का बदलाव होता है। मेरी उम्र 60 साल नहीं है, मेरे पास 60 साल नहीं कि मैं किसी चुनाव अकेले चुनाव की लड़ रहा हूँ। सुख सुविधा की राजनीति करना चाहता तो गोलियां नहीं खाता। आपको पता अभी 400 गोली चली 6 महीने पहले मेरे से। मैं गोली खाकर भी जिंदा हूँ इसलिए क्योंकि मैं गरीबों के आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। मैं जब छोटा था मेरी माँ खेत से घास लाती थी, मैं स्कूल से आके घास की गठरी पकड़ के लाता था कि मेरी माँ के ऊपर ज्यादा वजन न पड़े। मैं तो गरीबी देख के आया और मैं गरीबों में से हूँ, तो मैं उन लोगों की समस्या समझता हूँ। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, कब होंगे आपके ये बिना प्लस्तर के मकान पक्के, कब आएंगे आपके घर में सुख सुविधाएं, कब आप अपनी, देखो आज गरीब आदमी बहन बेटी की शादी करेगा कर्ज लेगा। पहले 3 लाख रुपए में हो जाती थी शादी, एक मोटरसाइकिल भी देते थे, अब होती है 5 लाख 5 में, 6 लाख में, 7 लाख में। कहां से लाओगे कर्ज, कब तक सारी जिंदगी उतारते रहोगे। आज अगर इलाज कराना पड़ जाए अच्छे हॉस्पिटल में तो कर्जा नहीं उतरेगा पूरी जिंदगी, ठीक है। तो इसलिए और पढ़ाई देखो कितनी महंगी होगी, डॉक्टर अगर अपने बच्चों को बनाना चाहो तो 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या करोगे भाई, कभी बन ही नहीं पाओगे डॉक्टर। गरीब का बेटा डॉक्टर बनेगा ही नहीं, इंजीनियर वकील बनेगा ही नहीं, जज बनेगा ही नहीं, आईएएस आईपीएस बनेगा ही नहीं, तो भाई क्यों, क्या हम सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। तो इसलिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कहां आपके अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, कहां डेंटल कॉलेज, कहां मेडिकल कॉलेज, क्यों आपके नेताओं ने नहीं सोचा, क्योंकि देखो उनके बच्चे पढ़ते हैं इन कॉलेजों में, आपके थोड़े उनको अपने बच्चों से मतलब है, आपके बच्चों से नहीं आपको अपने से मतलब होना चाहिए। मौका आपके पास है, माहौल बना हुआ है, चारों तरफ गूंज है कि इस बार नगीना पार्लियामेंट से गरीबों की ताकत से चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट जा रहे हैं। और जब एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा, देखो बाबा साहब पढ़े स्कूल के बाहर बैठ के, पढ़े नहीं पढ़े, तो बाबा साहब पढ़े तो कितने लोगों के लिए रास्ते खोले नहीं खोले। तो जब बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठ के पढ़े तो एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा अपने लोगों के लिए तमाम तरह के उन अवसरों को पैदा करेगा, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए, जैन के लिए, सिख के लिए, बौद्ध के लिए, जिनकी जरूरत आज बुनियादी रूप से हमें है। सच तो यह है आज हमारे पास खाने के लिए अच्छी रोटी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और सर ढकने के लिए अच्छी छत भी नहीं है। सच तो यह है पीने के साफ पानी की व्यवस्था भी हमारे यहाँ नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ 90% लोग ऐसे होंगे जिनके घरों पे साफ पानी नहीं होगा, आरओ का पानी नहीं होगा। आप बताओ ईमानदार से कितने लोग घरों में आरओ लगे, मेरा हाथ पाकर बताओ। तो आपको नहीं पता कि आपके यहाँ का पानी खराब हो गया, आप देखो ना आपके यहाँ पानी खराब हो गया, बीमारी की जड़ हो गई, लेकिन सरकार को थोड़ा फर्क पड़ता, सरकारों को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जब सरकारों को आपके लिए फर्क नहीं पड़ता तो आप अपने बारे में खुद सोचो, ठीक है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इस लड़ाई मेरी मदद कराओ, बताओ कराओगे नहीं कराओगे मदद, दोनों हाथ उठाकर बताओ। जो लोग मदद कराएंगे, जो एक हाथ उठाएगा उसकी नहीं मानी जाएगी, जो दोनों हाथ उठाएगा उसकी बात मानी जाएगी। और आखिरी बात पहले बताओ निशान क्या है हमारा, क्या हमारा निशान, जोर से बताओ। देखो
अभी भी इस देश में जाति के आधार पर अन्य अत्याचार जनजाति होती है। मैं बहुत जमीनी बात कह रहा हूं, हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने अभी एजुकेशन की वैल्यू नहीं समझी, उनको लगता है कि उनका अंतिम जिंदगी झाड़ू लगाना है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उनको कलम की ताकत दी और भगवान वाल्मीकि महाराज के भी हाथ में कलम है। अगर हम कलम पकड़ेंगे, पढ़े लिखेंगे, तभी तो हम लोग कामयाब होंगे। जब हम शुरू बचपन में झाड़ू पकड़